हेलो दोस्तों, एजीआईटी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपका टेक्स्ट साइज जो डिस्प्ले पर आप देख रहे हो वो सही नहीं है और डिस्प्ले का फॉन्ट साइज जो है कटा होता है, तो इस इशू को आपने कैसे फिक्स करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है यहाँ पर कि अपने डिस्प्ले रेजोल्यूशन सेटिंग चेक कर लेनी है। कोई भी स्टेप परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें अपने डिस्प्ले जो सेटिंग्स है वो चेक करने पड़ती है, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर, ओके, और डिस्प्ले सेटिंग्स में आना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही डिस्प्ले सेटिंग्स में आएंगे, विंडोज़ 10 और 11 में सेम स्टेप है, दोनों में परफॉर्म कर सकते हैं आप इसको। आपने सबसे पहले यहाँ पर देखना है स्केल एंड लेआउट, तो इसको आपने रिकमेंडेड कर देना है। जो भी आपका सिस्टम रिकमेंडेड करता है वही आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा जो स्टेप है यहाँ पर देख सकते हो आप, बड़ा हो गया, मैंने 75 जैसे किया है तो मैं इसको 50 कर देता हूँ और अब यहाँ से सही लग रहा है। और दूसरा जो है डिस्प्ले रेजोल्यूशन, आपको ये भी आपको रिकमेंडेड रखना है। रिकमेंडेड में क्या होता है, जो आपका सिस्टम मैन्युफैक्चरर है, हार्डवेयर है, वो रिकमेंड कर रहा है सिस्टम ऑटोमेटिकली, तो उसको करने से आपका इशू यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज आप 1366x768 पर भी जा सकते हैं एक बार। ये यहाँ पर पुराना रेजोल्यूशन था जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता था, तो ये इशू आपका फिक्स कर देगा। और एक सेटिंग यहाँ से कर सकते हो एडवांस डिस्प्ले में जाके, और यहाँ पर रिफ्रेश रेट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, 40 कर सकते हो आप, बट रिकमेंडेड है कि हाईअर आप चूज़ करें यहाँ से, ओके। तो ये पहले सेटिंग्स मैंने बता दी आपको, ईजीली फिक्स हो जाएगा आपका इशू बिना अदर स्टेप्स को परफॉर्म किए हुए। अगर यहाँ से इशू फिक्स नहीं होता दोस्तों आपको, तो हम चलते हैं डिवाइस मैनेजर में, क्योंकि जो ड्राइवर है इसका मेन कॉज होता है इशू को रेज करने का, और कोई भी कंपोनेंट तभी चलता है यहाँ पर आपके सिस्टम में जब ड्राइवर अप टू डेट हो। तो डिस्प्ले का ड्राइवर यहाँ पर मिलेगा आपको डिस्प्ले अडॉप्टर्स में, आपको एक्सपेंड कर देना है। और बेसिकली क्या होता है, जब आप पहले इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम को या फिर न्यू विंडो को, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट ड्राइवर होता है। ये आप देख सकते हो इंटेल का है, तो ये मेरा मैन्युफैक्चरर का है ना कि बेसिक का। तो आपने राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर, और सर्च ऑटोमेटिकली कर देना आपको, तो ये जो सूटेबल ड्राइवर होगा आपके सिस्टम के लिए वो इंस्टॉल कर देगा। दूसरे तरीके से आप इसको इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर, ओके। और ये देख सकते हो, इसकी बात मैं कर रहा था, ये पहला प्राइमरी ड्राइवर होता है जब आप सिस्टम लेते हो या फिर न्यू विंडो इंस्टॉल करते हो, उसके बाद में मूव ऑन हो जाता है अपडेट करके मैन्युफैक्चरर ड्राइवर पर। आपने नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, और एक बार आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक बार जो डिस्प्ले ड्राइवर है उसको आप डिसेबल एंड देन री इनेबल कर सकते हो, और एक बार आप अपने कंप्यूटर पर जाके एक्शन पर जाके स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस कर सकते हो। कोई चेंजेस होंगे आपके सिस्टम में हार्डवेयर, तो ये डिटेक्ट कर देगा और इशू आपका इजीली फिक्स हो जाएगा। यहाँ से भी दोस्तों आपका इशू फिक्स नहीं होता, तो हम चलते हैं तीसरे मेथड में। तीसरे मेथड में आपने यहाँ पर लिखना है एडवांस व्यू एडवांस, तो व्यू एडवांस आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर, व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आ जाना आपको। इस सेटिंग को आप विंडो प्लस आर बटन कर करके और sysdm.cpl लिख सकते हो, यही सेटिंग आपको मिलेगी यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस पे ही रहने देना है। यहाँ पर आपको जाना है परफॉर्मेंस में, ओके, और यहाँ पर आपने एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस कर देना है, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, अप्लाई, ओके, और चेक करना आपको कि आपका इशू फिक्स हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से भी आपका इशू फिक्स नहीं होता गाइस, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर एक ट्रिक, और यहाँ पर लिखना आपको एडजस्ट क्लियर टाइप और टेक्स्ट। जैसे आप ये लिखेंगे यहाँ पर, ये आपको क्लिक कर देना है यहाँ से ये मेक श्योर करना कि टर्न ऑन क्लियर टेक्स्ट यहाँ पर टाइप रहे, नेक्स्ट डिस्प्ले, नेक्स्ट, यहाँ से जो आपको क्लियर दिख रहा है उस पर आपने टिक करना है, ओके।
तो मुझे ये वाला क्लियर दिख रहा है ज़्यादा, नेक्स्ट करता हूँ मैं। और यहाँ से भी जो आपको क्लियर दिख रहा है तो ये वाला रहने देता हूँ मैं, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट 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 और तो उम्मीद है दोस्तों आपका इस इशू को फिक्स हो गया होगा आपका इशू। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।